स्वामी अखंडानंद जी महाराज का भाव है कि स्वर्ग का कल्प वृक्ष तुमको स्वर्गीय संपदा को देगा, परंतु वृंदावन के वृक्ष तुमको मुक्ति प्रदान कर देंगे। आज भी कई सिद्ध संत वृंदावन में वृक्ष बन करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यही रसकान कहते हैं कि मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गो कुल गाम के ग्वार, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनो मझार, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदिकूल कदम्ब की डार। पशु बना दो, पक्षी बना दो, इसका हमें कोई परहेज नहीं, परंतु बना दो हमको आप वृंदावन। इससे क्या होगा, ब्रजांगनाओं के चरणों की रज उड़कर के जब हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वृंदावन की गलियों में मुक्ति पड़ी, और यही इसका संकल्प है कि किसी गोपी के किसी संत के जिस दिन चरण रज उड़कर के हमारे ऊपर पड़ जाएगी उसी दिन हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति भी जाकर के वृंदावन में मुक्त होना चाहती है।